अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज के हम ट्यूटोरियल में YouTube ऑटोमेशन मास्टर क्लास के क्लास नंबर 2 के अंदर हम देखेंगे अपना हम किस टॉपिक को लेकर आगे जा सकते हैं। उस टॉपिक के ऊपर रिलेटेड पहले सेलेक्ट करके फिर हम ईमेल बनाएंगे, ईमेल के बाद यूट्यूब चैनल बनाएंगे, यूट्यूब चैनल के बाद उससे रिलेटेड वीडियोस की टाइप्स देखेंगे हम किस टाइप की वीडियोस बना सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे इसके अंदर हर कैटेगरी को वीडियोस बनाना, देखेंगे किस तरह से वीडियो बनती है और उसको हम किस तरह से अपलोड करते हैं, अपलोडिंग के लिए उसकी SEO क्या है, उसका थंबनेल क्या है, उसके और जो पैरामीटर्स हैं उनको कैसे क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद उसको चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने चैट GPT की तरफ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मैं कह देता हूँ चलें अस्सलाम वालेकुम भाई जान, उसने जवाब दे दिया है मुझे वालेकुम सलाम, मैं कि तुम्हारे कैसे मदद कर सकता हूँ। ये इंग्लिश में मैं इसको कह देता हूँ आई वांट टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल ऑन, मैं कह देता हूँ मुझे मोटिवेशन एंड लग्जरी, इस कह लें मोटिवेशन से ऊपर ही कह लेते हैं। ठीक है, मोटिवेशंस ठीक है, प्लीज सजेस्ट मी नेम चैनल नेम, ये मुझे चैनल नेम बता रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें से राइस टू इंस्पायर मोटिवेशन में वन मैं कह देता हूँ, मुझे अगर लगे तो राइस टू इंस्पायर। ठीक है, मैं ये मुझे ये पसंद आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। मैं अब क्या करूँगा, मुझे ये मैं अपने यूट्यूब में जाता हूँ, यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ क्या इसके रिलेटेड कोई पहले चैनल मौजूद है। राइस टू इंस्पायर ये मौजूद है और इसके 11 सब्सक्राइबर हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सिर्फ इनके अभी शॉर्ट्स के ऊपर काम कर रहा है और वीडियोस इसकी ये हाँ शॉर्ट्स के ही ऊपर है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे जाते हैं थ्री वीक्स पहले इतने 3 बनाए उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद ये अब इसने बनाई है और ये बना रहा है शॉर्ट्स के ऊपर ही काम कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं राइज टू इंस्पायर, इसको स्पेस कर देते हैं, ये एक चैनल है, इसके ऊपर एक वीडियो और इस तरह से वर्क कर रहा है और इसके 2 सब्सक्राइबर हैं। इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं है इसके ऊपर हम अपना ला सकते हैं, तो अगर हमें कोई और नाम भी पसंद आ जाता है तो हम उसको भी देख सकते हैं, ड्राइव टू थ्राइव उसके बाद ये और मोटिवेट मी नाउ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही नाम है मुझे पसंद आ गया, ठीक है मैं इसी को करता हूँ। मैंने इसके लिए क्या करना है, अपने अपने मैंने जाना है एक मिनट, मैंने अपने जाना है इधर अपने न्यू, ऐसा करते हैं नया ब्राउज़र बना लेते हैं, नए ब्राउज़र में जाते हैं और मैं ऐड करके कंटिन्यू विदाउट अकाउंट इस तरह कर लेते हैं और इसको सिंपल रख के और इसका नाम हम रख देते हैं जो वहाँ पे रखा था राइज टू इंस्पायर डन। यहाँ पे करते हैं जीमेल पे दबाते हैं, क्रिएट अकाउंट करते हैं फॉर माई पर्सनल यूज़। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ राइज टू इंस्पायर, मैंने जस्ट किया नेक्स्ट किया, इसकी डेट आप कोई भी अपना जो है रख सकते हैं। यहाँ पे आकर इसके ईमेल जो है आपकी मर्ज़ी, आप अपनी मर्ज़ी की रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। मैं कह देता हूँ राइज टू इंस्पायर, अगर ये मेरे पास मौजूद है तो वो कह देता है अगर राइज टू इंस्पायर नहीं ये मौजूद नहीं है, मैं इसके साथ राइज यहाँ पे क्या करता हूँ राइज टू इंस्पायर और कोई भी ईमेल रखने के साथ मैं लिख देता हूँ 77। अब देखते हैं ये हो गया ईमेल, इसका हम पासवर्ड कुछ भी रख लेते हैं।
मैंने पासवर्ड रख लिया, नेक्स्ट किया। यहाँ पर रिकवरी ईमेल कह रहा है, मैं इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर देता हूँ। उसका फ़ोन नंबर कह रहा है, मैं इसको अभी फिल वक्त के लिए स्किप कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। और आप अपना ईमेल, रिकवरी ईमेल और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। एग्री किया। और मेरी ये ईमेल बन गई। इस तरह से हम ईमेल बना लेते हैं अपनी, ठीक है। और जब हमारी ईमेल बन जाएगी तो हमने एक पहले क्या किया, इस लेक्चर के अंदर हमने अपना नाम सेलेक्ट किया। नाम सेलेक्ट करने के बाद उसका हमने उसका कंपटीशन देखा है कि उसके ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर क्या काम कोई हुआ है नहीं हुआ, तो या बिल्कुल ना हो या थोड़ा सा हो, तो हम क्योंकि उसको हमने ग्रो करना तो हम उसको लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद हमने इसके ऊपर इसकी ईमेल बनाई है नया ब्राउज़र बना के। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे कि इसके ऊपर चैनल कैसे और इसको हम कैसे वर्किंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।